आज सुबह सुबह बन रहे हैं ब्रेड पकौड़े, पराठे बन रहे हैं, पराठे पराठे ब्रेड पकौड़े, ब्रेड पकौड़े। हाँ, और हमारे सेफ साहब घुस गए हैं किचन में चाचा जी। तो चाचा जी सब कुछ तैयार कर रहे हैं। आप ये देखो, आलू और वहाँ पे बेसन मिला रहे हैं। क्या क्या मिलाया चाचा आपने इसमें? इसमें मिलाए हैं सब मसाले, मिलाए हैं हल्दी, नमक, मिर्चा, धनिया। कोई स्पेशल मसाला? गरम मसाला। अच्छा, सही है सही है। कुछ मतलब अलग स्वाद के लिए, अभी अलग स्वाद के लिए इनके अंदर फिर हरा मिर्चा, ये आलू पीसा जा रहा है अभी। अच्छा, इसको डालूंगा ब्रेड के अंदर। इसको लेप लगाऊंगा ब्रेड के अंदर, फिर बेसन में इनको तला जाएगा। ये सही तरीका है आलू पीसने का। ये अच्छे से पीस जाएंगे आलू, देखो। ये ऐसे करके पीसा जाता है आलू। ये सिलवटे से बढ़िया है ये। चाचा जी तो लग गए हैं ब्रेड पकोड़े बनाने में, और हमने तो कुछ करना नहीं है, हमने करना है सिर्फ खाने का काम। तो वेट करते हैं जब तक बनते हैं ब्रेड पकोड़े, और आपको भी दिखाते हैं कि कैसे बनाए। तो ये देखो, चाचा जी ने अच्छी तरीके से स्टफिंग भी कर दिए हैं। भोरेली है ये देखो, सारे ब्रेडों के अंदर ना आलू भी भर दिए हैं चाचा जी ने, और बस अब इसको तलना वाकई। देखो दोस्तों, हमारे सारे ब्रेड पकोड़े बन गए हैं। तो हेलो दोस्तों, प्रणाम, राधे राधे। मेरा नाम है मोनिका पटवाल, और मैं फिर से पहुंच गई एक और नए व्लॉग के साथ। तो दोस्तों, आज के व्लॉग की शुरुआत भी हो गई है, और आज भी यहाँ बहुत कोहरा लग रहा है, क्योंकि कल दो दिन तो चलो अच्छी बात है कि धूप आ गई थी, पर पता नहीं आज क्यों कोहरा लग गया। हमने सोचा धूप आएगी, पहले सुबह आ गई थी धूप, पहले धूप ही आई और फिर कुछ देर में कोहरा भी लग गया। तो दोस्तों, फिर कोहरा तो ऐसे ही रहेगा यहाँ। तो आज मैं नाश्ता करने के बाद अब जा रही हूँ घूमने के लिए। यहाँ एक म्यूज़ियम है वहाँ, और क्या कहते हैं, अगर वो म्यूज़ियम मेरे को वहाँ जाने का रास्ता मिल जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलो आगे आगे देखते हैं, मिलता है कि नहीं मिलता। तो बने रहे मेरे साथ वीडियो में अंत तक। तो दोस्तों, मैं फिर से निकल गया हूँ अपना काला कोट पहन के मार्केट की तरफ, और मैं रोज़ कपड़े चेंज तो कर रही हूँ, पर मैं अपना कोट और टोपी चेंज नहीं करूँगी, क्योंकि इन्हीं की वजह से मैं यहाँ रह पा रही हूँ इतने ठंड में। तो चलो, इन्हीं का भरोसा है ठंड में। तो मैं अभी इस टाइम पे हूँ कॉर्बेट नेशनल पार्क में, और मैं आई हूँ यहाँ क्या कहते हैं म्यूज़ियम में। आपको बताया था ना मैं म्यूज़ियम आऊँगी, तो मैं आ गई हूँ यहाँ म्यूज़ियम, यहीं पे है सामने म्यूज़ियम। तो पहले उनसे बात करते हैं कितना मतलब वो फीस लेते हैं, कितना नहीं लेते हैं, और फिर आपको दिखाते हैं अंदर क्या क्या है। तो चलो, दोस्तों जो यहाँ बाघ है ना, वो जो मैंने आपको दिखाई वो रियल है। और यहाँ पे देख रहे हो आप, ये छोटा वाला, ये है बाघ का बच्चा, मतलब ये मर गया था 1980 में, मर गया था ये। तो इस मतलब इन लोगों ने इनको यहाँ रखा है, इनके असली खाले यहाँ। तो देख कैसा रियल। तो चलो आपको भी दिखाते हैं और क्या क्या है।
ये हाथी का बच्चा है और ये असली, जितने में मैं आपको दिखा रही हूँ ये सारे असली, ये देखो सारे इन्होंने मतलब यहाँ स्टोर कर के रखे हैं, और जितने भी बाघ दिखाए ना सब असली है, और ये भी हाथी का बच्चा है। और ज़्यादा यहाँ इतने बड़े बड़े बाघ हैं ना, मतलब जैसे हमारे यहाँ गाय होते हैं ना बड़े, इतने बड़े बाघ, मतलब अगर कोई ऐसे ही छूटेगा, अगर कोई बंदा फंस जाएगा। मजा आ गया देख के, ऐसा लग रहा था हमारे पुपे पत्थर मार रहे होंगे। और कैमरे में ना ज़्यादा नहीं दिखाई देता, चश्मे पहनते तभी सही से दिखाई देता। तो फिर देखती हूँ यहाँ और चीज़ें क्या है। मैं आ रही हूँ स्क्रीन पे, ऐसा लग रहा है मैं वहाँ बाघ के सामने खड़ी हूँ और स्क्रीन पे मैं आ रही हूँ। तो दोस्तों मैं तो आ गई हूँ क्या कहते हैं वहाँ सब कुछ देख के, और बहुत अच्छा लगा मेरे को तो, बहुत अच्छा। अगर आप भी आओ तो आप भी ज़रूर आना। और क्या कहते हैं, बस ज़्यादा पैसे नहीं लगते, एंट्री के पैसे लगते हैं, कुछ 150 दिए हैं हमने, बस इतने ही लगते हैं। तो उसके बाद क्या कहते हैं, आप एंट्री कर लोगे ना जब, तो उसके बाद आपको अंदर मतलब बहुत अच्छे से चीज़ें दिखाई जाएंगी। लाइन बनी है, मतलब कहाँ से कहाँ को जाना है, फुटप्रिंट बने हैं बाघ के, और वहाँ ज़्यादा वही हैं बाघ ही हैं, बाघ देखने को मतलब पुराने बाघ रखे हैं ऐसा कहते हैं, मतलब और उनके नीचे भी लिखा है वहाँ पे कि वो कब मरे थे। तो बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों देख के, और क्योंकि उनके अच्छे फोटो नहीं आ रहे थे, क्यों नहीं आ रहे थे, क्योंकि ना वो थे उन पर ग्लासेस चढ़े थे तो चमक रही थी फोटो, इसलिए अच्छे से नहीं आ पा रही है, पर सामने से एकदम रियल लग रहे हैं। और इतना बड़ा बाघ, और तो सही बात है, अगर वो किसी को मतलब किसी पे झपट्टा मारेगा तो कौन ही उससे बचेगा, इतना बड़ा बाघ है। तो क्या कहते हैं दोस्तों,
हमने तो देख लिया है, पर आप भी जरूर आना यहाँ। यहाँ मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो क्या कहते हैं यहाँ से जाने के बाद अब चलते हैं घर की तरफ। और क्या कहते हैं यहाँ तक तो मैं क्या कहते हैं अकेले आई हूँ दोस्तों। मैं पहुँच गई अब रामनगर, और क्या कहते हैं अब यहाँ आ गया मैं सबसे पहले और यहाँ आते ही मैं पहले मैं खा रही हूँ मोमो, क्योंकि यहाँ के जो फेमस मोमो हैं बालाजी मोमो, तो पहले ये खा लेती हूँ। और क्या कहते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं ना ये, तो पहले इन्हीं से पेट पूजा करती हूँ अपनी। तो दोस्तों मैं मार्केट से भी आ गया हूँ घर, मैंने मोमो खाए थे, उसके बाद जल्दी से मैंने ऑटो पकड़ा और उसके बाद मैं घर आ गई। पर ऑटो पकड़ने से पहले मैं चली गई थी वहाँ सेल में, वहाँ लगता कपड़ों का सेल, तो मैंने वहीं से बहुत सारे कपड़े खरीद लिए। और मैं वहाँ कपड़ों में इतना खो गई थी, क्योंकि वहाँ इतने सस्ते सस्ते इतने अच्छे अच्छे कपड़े मिल रहे थे, तो मैं वीडियो बनाने ही भूल गई। पर मैं ढेर सारे कपड़े लाई हूँ, दिखाऊँ आपको कितने सारे हैं। ये देखो इन दोनों थैलों में मैं कपड़े भर के लाई हूँ, बहुत अच्छे अच्छे। तो चलो टाइम मिला तो आपको भी दिखाऊंगी घर में जाके, और पहले घर वालों का रिएक्शन देखते हैं कि क्या रिएक्शन है उनका। तो दोस्तों शाम के बजने वाले हैं 5, और अभी मैं मार्केट से भी आ गई हूँ। और क्या कहते हैं मार्केट से आने के बाद मैंने फटाफट से पानी पिया, क्योंकि मोमोज खाने के बाद ना मेरे को प्यास लग रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि चटनी में पता नहीं क्या मिलाया रहता है, तो मेरे को ना प्यास लग रही है अब। और घर आने के बाद मैंने हाथ मुँह धो के अब मैं आ गई अपने रूम में, और अब मैं करती हूँ वीडियो एडिट। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को बस यहीं पर समाप्त करते हैं, और आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, और जो 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 मैंने आज दिखाया आपको वो भी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, बाय बाय।